नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे का त्योहार सदियों से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माता का जगराता और उनके नौ स्वरूपों की पूजन और आराधना करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये नवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो आइए हम आपको नवरात्रि की पौराणिक कथा से अवगत कराते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था और इसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वह मांग सकता है। महिषासुर ने कहा कि उसे अमर होने का वरदान दिया जाए। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथ, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और वह चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन फिर भी महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और तत्पश्चात देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वह वही कोशिश करता कि देवी दुर्गा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हुई। 9 दिनों तक यह लड़ाई चलती रही। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने भी रावण को मारने के लिए 9 दिनों तक माता का व्रत व पूजन किया था और 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से दशहरे के पहले 9 दिन माता को समर्पित कर शारदीय नवरात्रि के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पर्व को मनाने के पीछे के रोचक तत्व पसंद आए होंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे माता जी के 9 स्वरूपों की व्याख्या और कथाएं। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। जय माता दी।